हाल ही में भारत ने पुलवामा में हुए आतंकवादी हमले का बदला लेते हुए पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में बड़ी कार्रवाई की है। भारतीय वायुसेना के 12 मिराज विमानों ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में घुसकर आतंकवादी कैंपों पर 1000 किलो के बम गिराए। सूत्रों के अनुसार कहा जा रहा है कि इस जवाबी कार्रवाई में कई आतंकवादी ठिकानों को नष्ट कर दिया गया है। आपको बता दें कि एक आतंकवादी कैंप में लगभग 40 से 50 आतंकवादियों को ट्रेनिंग मिलती थी। सूत्रों के अनुसार भारतीय वायुसेना की इस कार्रवाई में कई सारे आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया गया है, परंतु हैरानी की बात तो यह है कि पाकिस्तान के रडार भारतीय वायुसेना के इन विमानों को आखिर क्यों नहीं पकड़ पाए। आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना के मिराज विमानों ने यह कार्रवाई की है, तथा भारतीय वायुसेना के मिराज विमानों की खास विशेषता है, इनमें रडार को जैम करने वाली टेक्नोलॉजी लगी हुई है। जैसे ही यह रडार के संपर्क में आते हैं, यह एक तरह की फ्रीक्वेंसी को उत्सर्जित करते हैं, जिससे कि रडार इन्हें नहीं पकड़ पाता, तथा रडार की स्क्रीन पर यह विमान दिखाई नहीं देते हैं। आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना के इन मिराज विमानों को रशिया से लाया गया है, तथा हाल ही में इन मिराज विमानों को अपग्रेड भी किया गया था। शायद यही कारण है कि पाकिस्तान के रडार इन्हें पकड़ने में असफल रहे।